दोस्तों, टाइगर के ट्रेलर को देखने के बाद तरण आदर्श कहते हैं कि ऐसा ट्रेलर मैंने पहली बार देखा है। और टाइगर 3 के ट्रेलर को देखने के बाद अब ये बात कंफर्म हो गई है कि टाइगर 3 को बिलोक बास्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। और अब मानो बॉक्स ऑफिस पर टाइगर 3000 करोड़ भी कर लेगी। अब टबाई का मंजर आपको टाइगर दिखाने आ गया है। वहीं टाइगर 3 के एक्शन सीक्वेंस भी काफी बढ़िया है और ट्रेलर में नजर आ रहा है कि ये मूवी कितना बड़ा बवाल मचाने वाली है। वहीं कटरीना कैफ भी अच्छे स्टंट करती हुई नजर आई। लग रहा है इस बार ISI की जोया और रा का टाइगर बहुत बड़े मिशन पर गए हुए हैं। और वहीं जो रिकॉर्ड क्रिएट होगा वो भी काफी बड़ा होगा। आपको इस बात को भी भूलना नहीं है कि टाइगर 3 में शाहरुख खान भी केमियो देने वाले हैं और उनके एक्शन सीन को बनाने के लिए 35 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है। यानी कि जो तबाही शाहरुख खान और सलमान खान मिलकर मचाएंगे वो सदी की सबसे बड़ी तबाही होगी। और दिवाली पर जो धमाका टाइगर करेगी उसकी गुंजियां पूरे बॉक्स ऑफिस को हिला देंगी। टाइगर को, यानी कि सलमान खान को एक्शन अवतार में देखने के लिए सलमान खान के फ्रेंड्स भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब उनका इंतजार खत्म हुआ। आखिरकार भाईजान अपने असली अवतार में लौट कर आ गए हैं। अब जो टाइगर शिकार करेगा वो दुनिया देखेगी। और बॉक्स ऑफिस के ऊपर जो झंडा टाइगर लहराएगा वो सदियों तक लहराता रहेगा। और वहीं ऑडियंस को भी टाइगर 3 का ट्रेलर काफी पसंद आ रहा है। यानी कि बताया जा रहा है कि टाइगर अपने असली अवतार में आ गया है। और दिवाली का जो धमाका होगा वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि दोनों खान जब भी बड़े पर्दे पर एक साथ आते हैं तो तबाही लाते हैं। वहीं इस मूवी में जिस तरीके से BGM और VFX का इस्तेमाल हुआ है, मानो सब कुछ रियल नजर आ रहा है। सच बताना, आपको टाइगर 3 का ट्रेलर कैसा लगा और आप टाइगर मूवी का कितना इंतजार कर रहे हो, कमेंट में लाजमी लिखना। अगर आप सलमान खान के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारे चैनल मीम न्यूज को लाजमी सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको टाइगर 3 की सारी अपडेट मिलती रहे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना। धन्यवाद।